नमस्कार, जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं उन खलनायकों की कहानी जिन्हें बनना तो नायक था लेकिन खलनायक बन गए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या दुर्लभ कश्यप गैंग और शहनवाज की गैंग यानी कि KKC गैंग में लड़कियां भी थी क्या, क्योंकि दुर्लभ कश्यप और शहनवाज दोनों ही गैंग की एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दोनों ही गैंग के लोग कुछ लड़कियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। क्या है इस वायरल तस्वीर की सच्चाई, आपको बताएंगे। पहले बात करेंगे दुर्लभ कश्यप की गैंग में दिख रही लड़कियों के बारे में, जो अपने पूरे गैंग के साथ फोटो सेशन कर रहा था, और लगभग दुर्लभ कश्यप की गैंग के सभी मेंबर उस वक्त उसी तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और इसी तस्वीर में तीन लड़कियां भी आपको दिखाई देंगी, जिन्हें अब नोटिस किया जा रहा है। और लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि आखिर जब दुर्लभ कश्यप लड़कियों से इतना दूर रहता था, इज्जत करता था, तो उसकी गैंग के साथ ये लड़की कहां से आई और कौन है ये लड़कियां। और दुर्लभ गैंग में दिख रही लड़कियों के बाद शहनवाज की गैंग में भी लड़कियों की तस्वीर दिखाई दे रही है, तो आपको आज हम बताएंगे इन दोनों ही गैंग में दिख रही लड़कियों के बारे में। तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये तस्वीर ध्यान से देखिए, जहां जहां आप सर्कल देख रहे हैं वहां वहां पर आपको लड़कियां दिखाई दे रही होंगी। किसी की निजता का उल्लंघन न करते हुए हमने इन लड़कियों का चेहरा ब्लर कर रखा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर तीन लड़कियां बैठी हुई हैं। बीच में दुर्लभ कश्यप है, यानी कि ये तस्वीर उस वक्त की है जब दुर्लभ कश्यप जिंदा था। इस तस्वीर में दुर्लभ कश्यप के कई दोस्त भी हैं, जिन्हें आप सभी लोग लगभग जानते ही होंगे, वो सभी मौजूद हैं। आपको इन लड़कियों के बारे में बताएं उससे पहले आपको ये बता दें कि दुर्लभ कश्यप वसूलों वाला गैंगस्टर था। उसने अपनी गैंग में नियम कानून बनाए थे और वो बहुत ही कायदे से फॉलो किए जाते थे, और जो नियम कानून को फॉलो नहीं करता था उसे गैंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। जैसा कि हमने आपको एक कम उम्र के लड़के के बारे में दिखाया था, जिसे बाहर का रास्ता दुर्लभ कश्यप की गैंग की तरफ से दिखाया गया था। सूत्रों के मुताबिक दुर्लभ कश्यप की गैंग में लड़कियों की एंट्री कहीं से थी ही नहीं, तो जाहिर सी बात है गैंग में कोई फीमेल सदस्य नहीं थी, बल्कि ये लड़कियां दुर्लभ कश्यप और उसके गैंग की फैन थी। जी हाँ, आपने सही सुना, फैन, जो बस दुर्लभ कश्यप के साथ फोटो क्लिक कराने के लिए वहां पर गई थी। लेकिन ये शायद उनको भी नहीं पता था कि जिसके साथ वो तस्वीर क्लिक करा रही हैं, एक दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। खैर, ये तस्वीर इस बात की तरफ तो इशारा जरूर करती है कि दुर्लभ कश्यप इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद मशहूर नहीं हुआ, बल्कि वो पहले से ही मशहूर था। फर्क बस इतना था कि वो सिर्फ उज्जैन में मशहूर था और उसकी मौत ने उसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। अब आते हैं शहनवाज गैंग के साथ तस्वीर में दिख रही लड़कियों के बारे में। जैसा कि आप सभी को बताएं कि जरायम की दुनिया में एक गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर से आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं, और इनके बीच वर्चस्व की लड़ाइयां भी कई तरह से होती हैं। अगर एक गैंग कुछ करती है तो दूसरी गैंग उससे दिखाने के लिए कुछ और ही करती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि दुर्लभ कश्यप की यह तस्वीर उस वक्त की है जब वो जिंदा था, तो दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके इतना बड़ा गैंगस्टर बना, और अपनी गैंग से जुड़ी हुई हर अपडेट वो सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। अब मुझे आज ये नहीं पता कि दुर्लभ कश्यप की असली आईडी कौन सी है, लेकिन जब दुर्लभ कश्यप की मौत हुई थी उस दौरान हमने चेक किया था, दुर्लभ कश्यप लगभग हर तस्वीर फेसबुक पर अपलोड किया करता था, और जब ये वाली तस्वीर अपलोड हुई थी तो उसके बाद शहनवाज गैंग की तरफ से भी एक फोटो अपलोड की गई थी, और साथ ही ये दिखाने की कोशिश कि हम किसी मामले में दुर्लभ कश्यप गैंग से कम नहीं है। मतलब कि शहनवाज और दुर्लभ कश्यप गैंग में दिखाई दे रही लड़कियां वो सिर्फ और सिर्फ फैन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात तो अब आप बताइएगा कि दुर्लभ कश्यप की गैंग ने शहनवाज को कॉपी किया था, या फिर शहनवाज ने दुर्लभ कश्यप की गैंग को कॉपी किया था, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें अभी तक देख रहे थे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, आभार। आपका दिन शुभ रहे, भगवान महाकाल आपकी रक्षा करें। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।